संत श्री गाडगे महाराज की प्रतिमा का लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। संत श्री गाडगे महाराज आश्रम पूर्बिया रजक समाज उज्जैन द्वारा सदावल रोड पर संत श्री गाडगे आश्रम का निर्माण किया गया, जिसमें संत श्री की प्रतिमा का लोकार्पण अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष परम श्रद्धेय महंत श्री रविन्द्र पुरी जी महाराज एवं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा पुरी जी महाराज के पावन सानिध्य में सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से विशेष अतिथि के रूप में उज्जैन उत्तर के विधायक श्री अनिल जैन जी कालू खेड़ा थे एवं उज्जैन के प्रथम नागरिक महापौर मुकेश जी टटवाल सम्मिलित हुए। साथ ही उज्जैन नगर पालिका अध्यक्ष बहन कलावती यादव एवं भाजपा के पूर्व सांसद केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ नेता परम श्रद्धेय डॉक्टर सत्यनारायण जी जटिया के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सेवाधाम आश्रम के संस्थापक एवं अध्यक्ष सुधीर भाई गोयल, वरिष्ठ समाज सेवी एवं खालसा पंथ के उज्जैन अध्यक्ष सरदार सुरेंद्र सिंह जी अरोरा, सिंहस्थ विकास प्राधिकरण अध्यक्ष श्री माखन सिंह जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सामाजिक सद्भाव के प्रांतीय सह संयोजक एवं माधव सेवा न्यास के सचिव श्री विपिन जी आर्य मुख्य रूप से सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्बिया रजक समाज के अध्यक्ष शंकर मांगीलाल जी परमार ने की। साथ ही इस कार्यक्रम में श्री सत्यनारायण मंदिर मालवीय रजक 84 पंचायत प्रभारी हितेश मालवीय, प्रधानमंत्री श्री श्याम जी साकोनिया, कार्यकारी अध्यक्ष श्री चंदू पहलवान, कोषाध्यक्ष राजेश जी नारोलिया, व्यवस्थापक रामजी लाल खालोटिया, मालवीय रजक उज्जैन पंच अध्यक्ष नीलेश जी बिलोदिया, गोपाल श्री खेतरा सतीश जी महेश जी, उपाध्यक्ष यशवंत जी नारोलिया आदि सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत श्री रविन्द्र जी पुरी ने कहा कि संत श्री गाडगे के महाराज ने सदैव जन कल्याण के कार्य किए हैं एवं भजन कीर्तन एवं स्वच्छता का कार्य किया है और समाज को एक माला में पिरोने का काम किया है तथा सभी समाज जन एकता के सूत्र में बंध कर संत श्री के बताए रास्ते पर चले। इस अवसर पर श्री श्री 1008 अन्नपूर्णा जी महाराज ने कहा कि संत श्री ने भजन कीर्तन के माध्यम से स्वच्छता का कार्य किया एवं लोगों को शिक्षित बनाने जैसे महान कार्य किया एवं समाज के लोगों को भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे कार्य करना चाहिए। इस कार्यक्रम में प्रतिमा का दान के रूप में श्री मालवीय रजक 84 पंचायत के भूतपूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय बाबूलाल जी नारोलिया जी की पुण्य स्मृति में उनके सुपुत्र यशवंत जी, मुकेश जी, अशोक जी नारोलिया द्वारा भेंट की गई। पूर्बिया रजक समाज अध्यक्ष शंकर जी परमार एवं पूरी टीम द्वारा इस उत्कृष्ट कार्य के करने पर श्री सत्यनारायण मंदिर मालवीय रजक 84 पंचायत एवं श्री मालवीय रजक जन कल्याण सेवा समिति उज्जैन पंच की ओर से पूरी टीम का स्वागत सम्मान किया गया एवं मूर्ति दान दाता श्री यशवंत जी नारोलिया द्वारा अध्यक्ष शंकर जी परमार एवं वरिष्ठ समाज सेवी संयोजक श्री आनंदी लाल जी सोलंकी का साफा बनाकर स्वागत सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में समिति के मुख्य रूप से संरक्षक मांगीलाल जी बागी, महासचिव संतोष बागी, सचिव राजेंद्र राठौर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र पटेल, कोषाध्यक्ष मनोज सोलंकी, उपाध्यक्ष मनोज बागी, मीडिया प्रभारी रत्नेश परमार, संयोजक आनंदी लाल जी सोलंकी, मुकेश गोंड, राजेंद्र बागी, मुकेश परमार, पवन गोंड, संजय मदनपुरिया, किशोर बागी, संजय गौंड, धर्मेंद्र परमार, राजेंद्र सोलंकी, राजेश बाथली, मनोज बागी, रितेश गोंड, निखिल बाथलिया आदि मुख्य रूप से सम्मिलित थे। आभार श्री सत्यनारायण मंदिर समिति के प्रभारी हितेश मालवीय ने व्यक्त किया। ये जानकारी मीडिया प्रभारी रत्नेश परमार ने दी। इसके बारे में बताया, आज संत गाडगे महाराज जी का गार्डन एवं मूर्ति का लोकार्पण हुआ है। गार्डन एवं मूर्ति का लोकार्पण हुआ है। परम श्रद्धेय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहीमपुरी जी महाराज, मंदाकिनी माता जी एवं अन्नपूर्णा माता जी के द्वारा यहाँ लोकार्पण किया गया है। आने वाले समय में यहाँ पर संत गाडगे महाराज के जो भी अनुनाय आएंगे उनके रहने की व्यवस्था वगैरह रहेगी और भोजन की व्यवस्था भी हम हमारी समाज की ओर से करेंगे। और मैं मेरी समाजजनों से निवेदन करता हूँ कि जो अपने बाबा के उद्देश्य थे उस उद्देश्य पर काम करें, जैसे मदिरा वगैरह का सेवन दूर करें, स्वच्छता का ध्यान रखें। और मैं तो कहता हूँ राधे स्वामी हो जाए तो बहुत अच्छी बातें हैं, क्योंकि इन चीज़ों को कोई मतलब नहीं और बच्चों को अच्छा शिक्षित बनाए। मैं भी कम पढ़ा लिखा हूँ, बाकी मैंने मेरे बच्चों को। आपका शुभ नाम? शंकर परमा। गाडगे बाबा का संदेश रहा है महाराष्ट्र की भूमि पर
कि स्वच्छता और संकीर्तन गांव से लेकर शहर तक, महानगरों तक होना चाहिए, जहां की गलियां जब घर स्वच्छ होंगे तो मन और अंतकरण अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। तो साफ सफाई अपने घर के लिए और संकीर्तन अपने मन के लिए सदा चलता रहे, ये गाड़गे बाबा का संदेश था। गुरुदेव, गुरुदेव दो शब्दों के माध्यम से हम सब पर आशीर्वाद करेंगे। ॐ यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शरीर विजयो भूतृत्विवा नित्यमित्रि मम। सभी हमारी माता जी, हमारी माता जी माँ मंडलेश्वर जी, सभी जितने भी हमारे सुधीर भाई जी, मेरे सभी समाज के जितने भी साथी हैं जिन्होंने हमको यहाँ बुलाया है, बहुत खुशी हुई। देखिए, आज आपको ये सोचना है, जितना भी उज्जैन का समाज है, महाराज श्री का जो समाज है, गाड़गे जी का जो समाज है, सबको एकता में, एक माला में आपको पिरोना है, सबको एक हो जाना है, और सभी जो है यहाँ जो मंदिर में जो भी यहाँ आश्रम बनेगा इसमें सहयोग दें, और सभी पूरा उज्जैन एक हो जाएं, और सभी एक हो करके हमें जो है महाराज श्री का जो संदेश है उसको आगे ले जाना है। मेरी ओर से हमारे जितने भी संत समाज है आपको आशीर्वाद, साधुवाद, और आप सभी लोग यहाँ आए हुए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है, आशा है कि आप पूरे जो समाज के लोग हैं सभी एक हो जाएंगे। इस समय जो है भारत में एकता की आवश्यकता है, और हम सब सनातनी है, हम सबको एक होना पड़ेगा, एक हो करके इनका जो महाराज का संदेश है जन जन तक पहुंचाना है। हर हर महादेव। बोलो संत श्री गाड़गे महाराज की जय। चौथा वर्ष में परमार्थ के कारण चारों ऐसे परम पूज्य परम श्रद्धे गाड़गे जी महाराज के इस विग्रह पर हम सब उनका अभिनंदन भी करते हैं, श्रद्धान्वित होकर के उनको प्रणाम भी करते हैं। संत तो सबके ही होते हैं, और संत जो होते हैं वो समाज के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए, सबके सुख के लिए, सबके आनंद के लिए और सबके ज्ञान के लिए वर्षा करते रहते हैं। तो आज का ये आनंद बहुत ही इस प्रसंग में साथ जुड़ गया है, और निश्चित रूप से हम सबके लिए आनंददायी भी है। माननीय माखन सिंह जी, माननीय नयन जी, मदन जी, हमारे सभी वरिष्ठ यहाँ पर हैं, समाज के वरिष्ठजन भी यहाँ पर हैं। हम संतों को अलग अलग होकर के देखना नहीं चाहते, परंतु संत है तो संत ही है ना, और इसलिए जो संत के ज़्यादा निकट अपने आप को महसूस करते हैं, और निश्चित रूप से वह भी समझते हैं कि संतों की महिमा क्या है, तो उनकी महिमा चारों ओर फैले, इस दृष्टि से भी यह प्रसंग भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अनेक लोग हैं जो संत गाड़गे जी महाराज को जानते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं भी हैं जो सीमित होकर के जानते हैं, परंतु संत तो सबके हितों के लिए है, सर्वा हिताय, ऐसा है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, सभी सुखी हों, सभी रोग कोई न पावे तो खुश हो, ऐसी शुभकामना के साथ आज हम सब गुरुदेव के सामने खड़े हुए हैं। हमें संस्कृति दे, हमारे ज्ञान दे, और समाज के कल्याण के हित हम सब होकर के काम करें, यही आज के समय पर प्रार्थना है। आप सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।